आज संपूर्ण भारत वर्ष में विजयदशमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। सभी देशवासियों को स्वागत। आज सुबह टाइम टीम आप सभी को बहुत बहुत विजयदशमी की पताका का हार्दिक बधाई शुभकामनाएं पहुंचे। खास रिपोर्टिंग आप देखते रहिए आज सुबह टाइम्स। और मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज संपूर्ण भारत वर्ष में विजयदशमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। यह विजयदशमी अन्याय पर न्याय की जीत पर आज विजय पताका लहरा रहा है संपूर्ण भारत वर्ष में। संपूर्ण भारत में यह बड़े हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा पर्व के तौर पर देखी जाती है। हर जगह गांव कस्बा में मेले ही मेले लगाए जाते हैं। वैसे आपको आज बताते चलूं, राजस्थान जोधपुर मंडोर में रावण का ससुराल है और यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है। वैसे रावण का ससुराल भारत के राजस्थान जोधपुर मंडोर नाम के स्थल पर है, जहाँ जोधपुर यदि आप आएंगे तो आपको एक जगह मंडोर रेलवे स्टेशन मिलेगा, जिससे कि आप हम इस वक्त यहीं पर जोधपुर मंडोर के पास ही मौजूद हूँ, जहाँ आज आपको खास रिपोर्टिंग दिखाने वाला हूँ। या विजयदशमी के दिन आज हम सभी लोग रावण को जो है पुतला फूंकते हैं और अन्याय पर न्याय की जीत का हम सभी लोग या जो है हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी मनाते हैं। लेकिन मंडोर जो है यह भारत में स्थिर है और यह राजस्थान जोधपुर मंडोर जो मंदोदरी के नाम से जाना जाता है, मंडोर मायका है मंदोदरी का, जिसमें कि बताया जाता है कि रावण का विवाह स्थल राजस्थान प्रदेश के जोधपुर मंडोर में शादी विवाह हुआ था। रावण की पत्नी मंदोदरी के मायका के रूप में जाना जाता है। सभी इस लोग कहते हैं कि मंडोर में ही रावण का फेरा और मंदोदरी का फेरा 7 फेरा हुआ था, जो कि रावण की पत्नी मंदोदरी के नाम पर है, जहां पर यहां रावण और मंदोदरी का मंदिर भी खूब सुंदर बनाया गया है। यह मंदिरों के नाम पर आप मंदोदरी के नाम पर मंडोर नाम से पुकारा जाता है और मंडोर में रावण की पूजा होती है और मायके में दामाद का पूजा किया जाता है। मंडोर के खानपुर, जहां पर बताया जाता है कि रावण और मंदोदरी का शादी यहीं पर हुआ था। यह है स्थल जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट तहलील में रावण और जो है मंदोदरी का मंदिर खूब सुंदर बनाया गया है। लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं और जो है बड़े भीड़ के साथ लोग यहाँ पर देखने आते हैं, या तीर्थ स्थल के तौर पर्यटक के तौर पर भी हम सभी लोग देखते हैं। इसी रेलवे स्टेशन मंडोर के नाम से भी रेलवे स्टेशन बनाया गया है। मंडोर में रावण और मंदोदरी की शादी विवाह किया गया था। खैर, यदि आपको ना पता हो तो आज समझ जाइए, राजस्थान जोधपुर मंडोर के नाम से यह स्थल बहुत ही विख्यात है और यहीं पर रावण और मंदोदरी की शादी हुई थी, जो कि मंदोदरी रावण की पत्नी है और यह शादी विवाह किए थे। खैर, इसका पुख्ता कोई प्रभावित जो है प्रमाणित नहीं है ऐसा बताया जाता है, लेकिन सभी अभी कुछ न कुछ यहाँ पर तथ्य ऐसे पाए गए हैं जो कि यहाँ के लोग रहने वाले लोग कहते हैं कि रावण और जो है मंदोदरी का 7 फेरा शादी विवाह यहीं पर किया गया था। लेकिन सभी लोग रावण का ससुराल और मंदोदरी का मायका जोधपुर मंडोर में बताते हैं कि शादी विवाह 7 फेरे यहीं पर हुआ था और रावण की प्रतिमा भी लगाए गए हैं और मंदोदरी का और रावण का मंदिर भी है और दामाद का पूजा अर्चना भी किया जाता है। वैसे भारत में कई जो है प्रदेश है जहाँ पर सभी लोग दावा करते हैं कि रावण का ससुराल यहाँ है, रावण का ससुराल वहाँ है, रावण का ससुराल यहाँ है, जैसा कि राजस्थान मंडोर में और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अनेक जगह जो है तीनों स्थलों प्रदेश में यह स्थल है जहाँ पर दावा करते हैं कि रावण का ससुराल मेरठ में भी था। इसे रावण
की पत्नी महारानी मंदोदरी का मायका भी कहा जाता है। यह सब कुछ देखते हुए और हम सभी लोग आज सत्य की विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खैर, आपको बता दूं कि जो है रावण और मंदोदरी का जो है जोधपुर मंडोर में यह स्थल जो है बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया गया है और यहीं पर जो है 7 फेरे हुआ था, ऐसे लोग प्रमाणित करते हैं। और यह जो है अपने मेहरानगढ़ जोधपुर मेहरानगढ़ मंडोर फोर्ट तहलीन तहलाटी में यह मंदिर बना है, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि रावण का और मंदोदरी का मंदिर खूबसूरत बनाया गया है। और बहुत हर्षोल्लास के साथ आज अपने दामाद का पूजा अर्चना कर रहे हैं। दामाद और वहीं पर रावण का ससुराल और रावण और मंदोदरी का खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। यदि आप जोधपुर राजस्थान आ रहे हैं तो आपको मंडोर जो है ज़रूर से ज़रूर घूमना चाहिए। वैसे तो राजस्थान में घूमने पर्यटक के रूप में बहुत से ही स्थल है। हम सभी को महाराणा प्रताप जी का स्थल है और पृथ्वीराज चौहान का स्थल है और भी सूरवीरों का स्थल है और या कई ऐसे इतिहास और रामायण में भी हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि विजयदशमी जो है विजय पताका आज मनाई जा रही संपूर्ण भारत वर्ष में। आज रावण का पुतला दहन हो रहा है और वहीं पर जोधपुर राजस्थान में मंडोर है जहां रावण का ससुराल भी है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त आज सुबह टाइम टीम जोधपुर मंडोर में ही स्थिर है और हम खास रिपोर्टिंग आपको मंडोर से ही दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ देखी जाती है। तो बस आप विजयदशमी मनाइए और विजय पताका के साथ आगे बढ़िए और विजयदशमी की सभी सनातन धर्म के लोगों को। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।